गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल रीड चैप्टर 4 कीबोर्ड। बच्चे उस दिन हमने इसके 2 पेज पढ़े थे, आज हम इसका रेस्ट पार्ट पढ़ेंगे। ओके, अल्फाबेट ए। आज बच्चों मैं आपको इसमें थर्ड पेज नंबर 37 पर ओपन करिए। पेज नंबर 37, इसको देखिए। सबसे पहले देखा है अल्फाबेट की। बच्चों अल्फाबेट की क्या होते हैं? अल्फाबेट तो आप सभी जानते हैं ना। अल्फाबेट क्या होते हैं? A to Z, ये हमारे क्या होते हैं? अल्फाबेट। ये स्मॉल में भी होते हैं और कैपिटल में भी होते हैं। तो अल्फाबेट बच्चों कितने होते हैं टोटल? 26। अल्फाबेट का कितने लेटर होते हैं बच्चों? 26 लेटर। 26 है जो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X। ये बच्चों कैपिटल भी होते हैं और स्मॉल। कैसे कैसे होते हैं? नंबर 1 कैपिटल, नंबर 2 स्मॉल लेटर। कैसे होते हैं? स्मॉल लेटर। कैपिटल में कैसे लिखते हैं इसको? ए बी सी डी एटसेट्रा। और स्मॉल में ए बी सी डी एटसेट्रा। बच्चों जो हमारा कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड में जो हमारे कैपिटल ये अल्फाबेट है, ये बच्चे सीक्वेंस में नहीं होते। जैसे ए बी सी डी स्टेप से नहीं होंगे। देखिए कैसे होते हैं। सबसे पहले जो हमारे अल्फाबेट है वो फर्स्ट लाइन में कितने होते हैं? 10 होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। कितने अल्फाबेट होते हैं बच्चों? 10 होते हैं। ये भी कौन कौन होते हैं? सबसे पहले आता है क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई, इधर से पी ओ आई यू। उसके बाद जो नीचे वाले रो होते हैं इसमें कितने होते हैं बच्चों? 9 होते हैं। कितने होते हैं? 9 होते हैं। उसके बाद थर्ड रो में बच्चों 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। Z, F, C, V, P, M, N। अब देखिए बच्चों इधर सबसे पहली रो है, इसमें कितने होते हैं? 10 अल्फाबेट। कितने होते हैं बच्चों? 10। कौन कौन से? क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई, फिर इधर से करते हैं पी ओ आई यू। अब इसमें हमें कितने होते हैं टोटल? 9 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 9। ए एच डी एफ जी एच ए जे एच। जो थर्ड रो है इसमें कितने होते हैं बच्चों? 7 अल्फाबेट होते हैं। कितने होते हैं? 7। Z, X, C, V, M, N, P। बच्चों जब हम टाइपिंग करते हैं तो हम जो अपने फिंगर होते हैं ना उन्हें इस टाइप से रखते हैं। देखिए फर्स्ट रो से कैसे रखते हैं? ऐसे, ये। तो इसीलिए हम इन्हें जब प्रेस करते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई, इसी फिंगर से टी होगा, इसी फिंगर से वाई, इधर से पी ओ आई यू। ओके, इसीलिए आप बच्चों ने क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई और पी ओ आई यू इस टाइप
जैसे एम एंड बी। ओके बच्चे टोटल हमारे कितने हो गए देखिए, 7 + 9 + 10 कितना हुआ टोटल, 7 7 7 9 16 और 10 26। तो टोटल एक्सपोनेंट हमारे कितने हो गए बच्चों, 26। तीनों रो को मिला के कितने हो गए एक्सपोनेंट हमारे, 26। ओके उसके बाद देखिए बच्चों नंबर की, नंबर की बच्चों कहाँ होती है कीबोर्ड में, कीबोर्ड में बच्चों नंबर की दो जगह होती है, है ना, 0 से 9 तक। देखिए सबसे पहले तो इधर होती है अल्फाबेट के जस्ट ऊपर इस टाइप से, कहाँ तक होती है 0 से 9 तक। सबसे पहले आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, सबसे पहले क्या आता है हमारा नंबर की में 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0। बच्चे जो हमारी नंबर की होती है उसमें 1 से स्टार्ट होता है 9 उसके बाद 0, क्योंकि 0 10 बनाने के लिए 1 और 0 प्लस कर सकते हैं, है ना, मतलब 0 से 1 तक हम इसमें कितना भी बड़ा नंबर होता है हम टाइप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 1 से लेके 0 तक ही नंबर जो होते हैं वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। जैसे हमें 1 लिखना है और हमें लिखना है 10 तो 1 और 0, 100 लिखना है तो 1 0 और लगा दिया, 1000 लिखना है तो 0 और लगा दिया, मतलब जो ये नंबर होते हैं यही बार बार रिपीट होते रहते हैं। और देखिए बच्चों एक इधर की होती है, जो नंबर की होती है हमारे कीबोर्ड में दो जगह होती है जीरो, ठीक है। इसकी का मतलब क्या होता है, इसे हम स्पेस देते हैं, क्या देते हैं स्पेस, कोई भी हमें लेटर टाइप करना है तो हमने क्यू टाइप करा उसके स्पेस बार की को प्रेस करा फिर हम नेक्स्ट लेटर टाइप करेंगे। ओके बच्चों स्पेस बार की का मतलब क्या होता है, स्पेस देना किसी भी वर्ड या लेटर के बीच में या नंबर के बीच में स्पेस देना।
सेकेंड हमारी स्पेशल की कौन सी होती है बच्चों? एंटरटेनमेंट। कौन सी होती है? एंटरटेनमेंट। एंटरटेन का बच्चों वर्क क्या होता है? एंटरटेन का वर्क होता है बच्चों किसी भी हम मान लीजिए टाइपिंग कर रहे हैं, जब हम कोई भी अल्फाबेट लिख रहे हैं या नंबर लिख रहे हैं, जब मान लीजिए पेज हमारा है ना कंप्यूटर स्क्रीन पर जो पेज होता है ना, जो इस टाइप से पेज होता है, हम जब टाइप करते हैं तो हमारी जो ये लाइन है हमारी ये शुरू हो गई और मैं नेक्स्ट लाइन पे आ गया, जब एक लाइन शुरू हो जाएगी तो नेक्स्ट लाइन पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। लेकिन मान लीजिए हमें एक लाइन में केवल एक ही बार टाइप करना है, मैंने अपना मान लीजिए नाम लिखा, मुझे केवल एक ही टाइप करना है, उसके नेक्स्ट लाइन पर आना है, तो मैंने क्या करा एंटर की प्रेस ली और मैं दूसरी लाइन में आ जाऊंगी, तो मुझे दो भी लिखना है मैं दूसरी नेक्स्ट लाइन में लिख लूंगी। तो इसके लिए एंटर की बच्चों हमारे कीबोर्ड में कितनी होती है? दो होती है। कितनी होती है? दो होती है। एक तो हमारी है अल्फाबेट के बराबर है, एक एंटर की इधर होती है और एक इस साइड होती है बच्चों, ये कीबोर्ड के ये नंबर डी के बराबर है, एक इधर होती है। आप कीबोर्ड में देखिएगा आपको दिख जाएगी। ओके, तो कितनी एंटर की होती है बच्चों टोटल? टू एंटर की। कितनी होती है? टू एंटर की। एंटर की का वर्क बच्चों पता चल गया। नेक्स्ट टाइम में मैं जाने के लिए क्या प्रेस करना पड़ता है बच्चों? एंटर की। ओके, आ जाओ बच्चों इतना ही करके आइए हम इसकी रीडिंग बुक में कर सकते हैं। ओके, डियर स्टूडेंट्स ओपन कंप्यूटर बुक पेज नंबर 37। अल्फाबेट कीज। अल्फाबेट कीज बच्चों क्या होती हैं? आइए हम पढ़ते हैं। देखिए जो हमारा कीबोर्ड है, अभी मैंने आपको बोर्ड पर समझाया था ना, जो हमारी अल्फाबेट की होती है वो इस टाइप से क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई और पी ओ आई यू होती हैं। सेकेंड रो में ए एच टी एफ जी, सब अपनी बुक में देखिए, एल के जे एच, जेड एक्स सी वी और एम एन बी। ओके, अल्फाबेट की आर अ सेट ऑफ लेटर्स ए टू जेड। जो अल्फाबेट की है वो क्या है? एक सेट है किसका? लेटर्स का, ए टू जेड का। यूजुअली प्रेजेंट ऑन द कीबोर्ड। ये किस पर प्रेजेंट होती है बच्चों? कीबोर्ड पर। अ कीबोर्ड कंटेंट्स 26 लेटर कीज। कीबोर्ड पर कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं, 20 लेटर की की होती हैं। अल्फाबेट कीज आर यूज्ड फॉर टाइपिंग वर्ड्स और सेंटेंसेस। जो अल्फाबेट की है बच्चों इनका यूज हम किस लिए करते हैं? वर्ड को टाइप करने के लिए और सेंटेंस को, मतलब इससे हम कोई भी एक वर्ड टाइप कर सकते हैं। जैसे हमें अपना नाम टाइप करना है तो वो एक वर्ड हुआ, हमें सेंटेंस मतलब पूरी एक लाइन टाइप करनी है। ओके, द कलर्ड कीज आर अल्फाबेट कीज। बच्चों जो कीबोर्ड दे रखा है इसमें जो कलर्ड येलो कलर की कीज दिख रही है क्या है? अल्फाबेट की हैं। सेकेंड नंबर कीज। नंबर कीज क्या होती है बच्चों? नंबर कीज आर अ सेट ऑफ नंबर्स 0 to 9। नंबर की क्या होती है? एक सेट होता है बच्चों कीज का, कहाँ से कहाँ तक होती है वो? 0 to 9। मार्क्ड ऑन अ कीबोर्ड, कहाँ पर मार्क होती है? कीबोर्ड पर। दे आर यूज फॉर टाइपिंग नंबर्स, इनका यूज किस लिए करते हैं बच्चों? नंबर टाइप करने के लिए। देयर आर टू सेट्स ऑफ नंबर कीज, जो हमारा कीबोर्ड है उस पर कितने सेट होते हैं नंबर कीज के? टू। देखो बच्चों ये रेड रेड दे रखा है आपको, ये 1 to 9 और इधर लास्ट में 0 एक इधर दे रखा है, ये 0 देखिए 0 उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने सेट हो गए? एक तो 1 to 0 तक यहाँ, ये 0 to 9 तक इधर। ओके, तो टोटल मिला के कितनी की हो गई? 10 ये और 10 इधर, तो टोटल कितनी हो गई बच्चों?
20 की. नंबर की कितनी होती है टोटल कीबोर्ड पर? 20. सो वी हैव टोटल 20 नंबर कीज ऑन अ कीबोर्ड. ओके. द कलर्ड कीज आर नंबर की. जो ये कलर्ड की है बच्चों, क्या है ये? नंबर की है. स्पेशल की. हमारे कीबोर्ड पर बच्चों कुछ स्पेशल की भी होती हैं. देखिए कौन कौन सी होती हैं. सम कीज ऑन द कीबोर्ड परफॉर्म स्पेशल फंक्शन. मतलब कुछ की होती हैं वो कुछ स्पेशल फंक्शन करती हैं, है ना. एंड आर कॉल्ड स्पेशल की. इसीलिए उन्हें क्या पुकारते हैं बच्चों? स्पेशल की. फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी होती हैं देखिए. स्पेस बार की और एंटर की. और भी होती हैं. एंड स्पेशल की कौन कौन सी होती है बच्चों? देखिए इधर स्पेस बार की, एंटर की, बैक स्पेस की, डिलीट की, कैप्स लॉक की आर सम ऑफ द स्पेशल की. ये बच्चों कुछ स्पेशल की हैं ना. देखिए कहाँ कहाँ होती हैं. कैप्स लॉक की इधर, ये बैक स्पेस की. अपने बुक में देखिए बच्चों, ये एंटर की, एक एंटर की इधर भी होती हैं. तो टोटल कितनी एंटर की होती हैं? 2. ये स्पेस बार की इस टाइप से. बच्चों अब हम स्पेस बार की के बारे में पढ़ेंगे. स्पेस बार की इट्स मेन फंक्शन इज टू गिव स्पेस बिटवीन वर्ड्स. बच्चों जो स्पेस बार की है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? स्पेस देना. किसके बीच में? बिटवीन वर्ड्स, मतलब किसी वर्ड्स के बीच में, या फिर लेटर्स, या लेटर के बीच में, या नंबर्स के बीच में. ड्यूरिंग टाइपिंग, टाइपिंग करते समय जब भी हमें स्पेस की ज़रूरत होती है तो हम क्या करते हैं? स्पेस बार की को एक बार प्रेस करते हैं. अगर हमें 2 स्पेस की ज़रूरत है तो 2 बार प्रेस करेंगे. ओके. द स्पेस बार की इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड. बच्चों जो स्पेस बार की होती है वो बहुत सबसे लॉन्गेस्ट की होती है हमारे कीबोर्ड पर. ओके. मतलब ये सबसे लंबी की होती है, इससे लंबी और कोई की नहीं होती हमारे कीबोर्ड पर. ठीक है. एंटर की, एंटर की भी स्पेशल की है बच्चों. हमारे कीबोर्ड में कितनी एंटर की होती है? 2. देखो एक ये है इधर, एक इधर है. एंटर की इज यूज टू स्टार्ट अ न्यू लाइन. एंटर की का यूज किस लिए करते हैं बच्चों? एक न्यू लाइन को स्टार्ट करने के लिए. मैंने बताया था ना, जब हमें नेक्स्ट लाइन पर आना है तो हम किसको प्रेस करेंगे? एंटर की को. इट इज ऑल्सो नॉन एज रिटर्न की. इसे रिटर्न की के नाम से भी जानते हैं. आ कीबोर्ड हैज टू एंटर कीज. कीबोर्ड पर कितनी एंटर की होती है बच्चों? 2, है ना. देखो एक तो इधर है और एक इधर है, तो टोटल की कितनी होती है एंटर की? 2. रेस्ट चैप्टर बच्चों हम कल रीड करेंगे. ओके. थैंक यू. आप इस सब्जेक्ट की रीडिंग खुद करिए आप.